फाइनली आ चुके हैं मां साम्राज्य आदित्यगण के सिंघम अगेन के कोने एपिसोड में वापिस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 6 चल रहा है एंड भाई देखेंगे आज के दिन क्या कलेक्शन है वो आ सकता है, व्हाट लास्ट में देखने वाले एंड साथ में स्टेट वाइज डेटा देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे ट्यूजडे के साथ, हमें ओवरऑल कितना बड़ा भाई ड्रॉप अब देखने को मिल रहा है। बट उससे पहले देखेंगे हमारे पास ट्यूजडे तक क्या ऑफिशियली नंबर्स हैं डे नंबर 5 क्लोज तक वर्ल्ड वाइड में। बट आज भाई मेकर्स ने ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दिए डे नंबर 5 के ट्यूजडे के। देखो आप अगर वीकेंड आफ्टर मंडे के नंबर नहीं देते चलो ठीक है, अब वन वीक खत्म होगा तो मेकर्स ऑफिशियल नंबर वो दे देंगे, बट आपने मंडे ऑफिशियली नंबर है वो दिए एंड ट्यूजडे के दिन आपने नंबर है वो नहीं दिया। एक तो गाइज हमें एक गंदा ड्रॉप देखने को मिला मंडे टू ट्यूजडे दोनों फिल्मों की बात करें, चूंकि आज की बात करें तो दोनों ने भाई ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दिए हैं। चलो वेट करते हैं कि भाई वो देंगे, लेट्स सी, देते हैं तो ठीक है, नहीं देते भाई तब भी ठीक है। अभी संडे की बात है, शायद जियो ने 10:30 to 11 के बीच में भाई रात को ऑफिशियली पोस्टर दिया था, इतना ज़्यादा लेट मे बी हमें आज भी ऐसा सीन सिनेरियो है वो देखने को मिल सकता है। बट हम एस्टिमेट पकड़ेंगे एंड डे नंबर 5 तक भाई कितनी कमाई है वो हो चुकी है। तो ट्यूजडे 14.50 crore के आसपास नेट कमाई किया यहाँ पे सिंघम अगेन है, जो कि मैंने आज सुबह भी यही कहा था कि 14.50 crore के आसपास आप पकड़ सकते हैं। लेट्स सी अब मेकर जब भी ऑफिशियली फिगर देंगे वेट रहेगा। एंड यही नंबर रहा तो 158.70 जाएगा नेट फर्स्ट ऑफ 5 डेज एंड ग्रॉस नियरली 188 crore के आसपास। ओवरसीज मैंने सुबह कहा था 46.60 crore, बट 1 crore मेरे भाई की फिगर है वो ज्यादा आई है एंड 47.60 crore फिगर है वो जाने वाली है ओवरसीज फर्स्ट ऑफ 5 डेज एंड वर्ल्ड वाइड में 235.60 crore फिगर है वो जाने वाली है 235 crore एंड 60 lakh फर्स्ट ऑफ 5 डेज एंड ट्यूजडे क्लोज तक। बट ये एक एस्टीमेट है, लेट्स सी अब देखते हैं भाई मेकर्स कब तक ऑफिशियली नंबर है वो छापते हैं। अब मूव करते हैं कि आज भाई क्या हमें देखने को मिल रहा है, क्या भाई सीन सिनेरियो चल रहा है जो हमने मंडे के दिन देखा मंडे टू ट्यूजडे 20-25% मैंने कहा था ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई ऐसा हमें देखने को मिला भी। क्या ट्यूजडे टू वेडनेसडे यही सेम चल रहा है या फिर एक अच्छा हमें होल्ड है वो देखने को मिल रहा है, चलो देखते हैं स्टेट बाई स्टेट एंड कंपेरिजन करते हैं सीधा यस्टरडे के साथ। महाराष्ट्र नंबर 1,083 शोज है, ओवरऑल 11% ऑक्युपेंसी एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन, हम डेटा गाइस वो शोज शेयर करने वाले हैं, ऑफलाइन जितने भी नंबर है वो इसमें इंक्लूड है वो नहीं होंगे, वो हमारा एपिसोड आएगा अभी 10-10:30 के बीच में। फाइनली ये पिक्चर भाई कितनी कमाई है वो कर सकती है, तो महाराष्ट्र में 1,083 शोज में 11% ऑक्युपेंसी के साथ लगभग 63 lakh कलेक्शन है वो हो चुका है एंड कल सेम टाइमिंग महाराष्ट्र में था 84 lakh, भाई गिरावट तो है। नेक्स्ट गुजरात 1,017 शोज में 14% ऑक्युपेंसी एंड 62 lakh कलेक्शन, भाई आज महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है एंड गुजरात में कल था 1.38 crore सेम टाइमिंग। आई थिंक कल छुट्टी थी यार मैंने सुना है गुजरात के अंदर, मुझे कंफर्म तो नहीं है, ट्यूजडे की बात कर रहे हैं शायद मंडे के दिन भी, अभी कंफर्म नहीं है, अगर कोई देख रहा है भाई वहाँ से वीडियो मुझे बताना है क्या हॉलीडे था या फिर नहीं। नेक्स्ट दिल्ली यूटी 624 शोज में 8% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 22 lakh के आसपास हमें कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली तो वीकेंड में अच्छी कमाई नहीं आई तो वर्किंग डेज में हमें क्या ही उम्मीद अब कर सकते हैं, डिसेंट ऑक्युपेंसी कंपेरिजन टू महाराष्ट्र कम है एंड कंपेरिजन टू गुजरात से भी कम है। नेक्स्ट यूपी 513 शोज में 9% ऑक्युपेंसी एंड 20 lakh के आसपास कलेक्शन। देखो उत्तर प्रदेश वीकेंड देखोगे आप फ्राइडे सैटरडे संडे काफ़ी बढ़िया गया, हाँ वर्किंग डेज में हमें ड्रॉप देखने को मिलता है भाई 50-60% नॉर्मली, बट यहाँ पे मामला भाई काफ़ी ज़्यादा गया 80-90% एंड कल सेम टाइमिंग उत्तर प्रदेश था नियरली 28 lakh, तो यहाँ पे भी गिरावट है। नेक्स्ट राजस्थान 281 शोज एंड नियरली 12% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 16 lakh कलेक्शन, एंड राजस्थान कल सेम टाइमिंग लगभग 20 lakh कलेक्शन था एंड आज है 16 lakh, यहाँ पे भी गिरावट है। नेक्स्ट कर्नाटका 235 शोज है 16% ऑक्युपेंसी एंड 14 lakh कलेक्शन, एंड कर्नाटका कल था भाई 14 लाख कलेक्शन, काफ़ी अच्छा हमें होल्ड है वो देखने को मिल रहा है। देखो वर्किंग डेज में आप जैसे जैसे आगे जाओगे भाई 2-3-4 lakh आपको हर एक स्टेट में नॉर्मली एक ड्रॉप देखने को मिल ही जाएगा, वो तो हर फिल्म लेती है, बट सब में हमें जो 30-40% पर ड्रॉप देखने को मिलता है जो कि गाइस वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट MP 345 शोज में 14 lakh कलेक्शन एंड 13% ओवरऑल ऑक्युपेंसी, तो या कल के दिन लगभग 16 lakh के आसपास कलेक्शन हमें देखने को मिला था सेम टाइमिंग और आज 14 lakh है, विच मीन्स काफ़ी अच्छा हमें होल्ड है वो देखने को मिला है।
वेस्ट बंगाल 302 शोज हैं, 13% ऑक्युपेंसी एंड 13 लाख हमें कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है, एंड यस्टरडे नियरली 14 लाख, काफी बढ़िया हमें यहाँ पे होल्ड है वो देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट तेलंगाना 133 शोज, 13% ऑक्युपेंसी एंड 8 लाख कलेक्शन, अच्छा है। एंड पंजाब ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमें यस्टरडे के दिन देखने को मिला था। एंड बाकी बचा रेस्ट ऑफ इंडिया, 1200 शोज, 8% ऑक्युपेंसी जो कि डिसेंट है एंड 37 लाख के आसपास हमें कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए ज़्यादा कुछ भाई अब तक की बात करें 5 बजे तक हमें ज़्यादा ड्रॉप है वो देखने को नहीं मिल रहा है कंपैरिजन टू ट्यूजडे। एंड बुल भैया 3 से कंपैरिजन करें तो महाराष्ट्र में भाई बुल भैया 3 आज के दिन अगेन आगे चल रही है, नियरली 10 लाख ज़्यादा नंबर है। एंड गुजरात 62 लाख है, सिंगम जो कि 46 लाख है यहाँ पे बुल भैया 3, तो या गुजरात के अंदर आज अच्छी आसी भाई लीड है वो ली है सिंगम अगेन है, जो कि दिल्ली की बात करें तो इससे बुल भैया 3 आगे चल रही है, यूपी बुल भैया 3 आगे चल रही है, नेक्स्ट राजस्थान काफ़ी मिलता जुलती कमाई है, कर्नाटका यहाँ पे सिंगम अगेन आगे चल रही है, एंड एमपी की बात करें तो यहाँ पे बुल भैया 3 आगे चल रही है, वेस्ट बंगाल बुल भैया 3 भाई शुरू से डोमिनेट कर रही है, तेलंगाना में सिंगम अगेन आगे चल रही है, एंड पंजाब में काफ़ी मिलता जुलता कलेक्शन है जो कि बचा बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया अगेन बुल भैया 3 है वो मिलता जुलता ही है, ज़्यादा कुछ गैप नहीं है दोनों के बीच में, तो ये कुछ भाई नज़ारा है। एंड मल्टीप्लेक्स पीवीआर आईनेक्स 71.62 लाख कलेक्शन हो चुका है, 1819 शोज में 23,000 प्लस हमें फुटफॉल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, सिनेपोलिस 23.03 लाख, 387 शोज एंड टोटल 94.65 लाख एंड 2,207 शोज में। एंड कल सेम टाइमिंग मल्टीप्लेक्स 1.34 CR ड्रॉप तो है। एंड आज बाई टूल ऑफ कितनी हमें गिरावट है वो देखने को मिल सकती है, देखो अभी 5 बजे तक बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने कल भी कहा था कि भाई 5 बजे प्रेडिक्ट करना कि कितनी कमाई आ सकती है शायद ये गलत होगा, बट एज ऑफ नो जो दिख रही है स्पीड एंड 5 बजे तक ऐसा हमें जो ड्रॉप देखने को मिला है तो समथिंग अराउंड 12 करोड़ के आसपास आज के दिन नेट कमाई आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 12.50 CR समथिंग ये कुछ फिगर आ जाती है, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा भाई होल्ड है वो रहने वाला है। एंड बाकी देखते हैं कि इवनिंग एंड नाइट के शोज हैं वो हमें किस तरह देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग गए तो मामला 13 करोड़ के आसपास भी जा सकता है, एंड थोड़ी भाई वीक गए तो मामला 10-11 करोड़ के आसपास भी आ सकता है, बाकी जो भी भाई हलचल होगी 10:30 से 11 बजे के बीच में भाई हमारा एपिसोड है वो आ ही जाएगा, उसमें हम बता देंगे कि भाई कितना कलेक्शन है वो आ सकता है। बाकी अभी के लिए तो इतना ही, आयुक्त सभी को भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी डेवाइस एडवांस हो गया, डेवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा, तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।